पहाड़ की जो आर्किटेक्चर जो बनी हुई है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है क्या? इसमें गायकिस्तान है, मैं आपको थोड़ा टोर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ऋषि जय पुरानी गुफा जय संतान की और तपस्या कर संतान। तो जैसा कि इनका बाबा कहना है कि यहाँ पर जो पहले साधु महात्मा रहा करते थे, तो उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर सिद्धियाँ की है और सिद्ध करने के बाद में जो गुफाएँ यहाँ पर प्रसिद्ध हुई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रामेश्वर धाम मंदिर। आप मेरे पीछे यहाँ पर गेट देख सकते हैं, ये यहाँ का मुख्य सिंह द्वार है और यहीं से रामेश्वर महादेव मंदिर के लिए हम एंट्री होते हैं। तो पीछे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आप साइन बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर श्री श्री 1008 रामेश्वर महादेव मंदिर आंकोदा जिला बूंदी लिखा हुआ है। तो यहीं से हम आगे चलेंगे और आपको आज इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कि किस तरीके का ये रामेश्वर धाम मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और जैसे आप यहाँ पर अंदर की तरफ आएंगे तो आप पीछे देखेंगे यहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी हुई है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पेस बनाया हुआ है और पार्किंग के लिए यहाँ पर रसीद वगैरह बना दी जाती है। तो आप यहाँ पर अपनी टू व्हीलर फोर व्हीलर को पार्क करके और आसानी से ऊपर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है। जैसे आप मेन गेट से आगे आएंगे तो बीच में आपको यहाँ पर स्पेस नज़र आएगा और यहाँ पर भी बहुत सारी धर्मशालाएँ बनी हुई है, ये देखिए आप इधर। तो यहाँ पर रसोई वगैरह बनाई जाती है और ये सामने से आने का गेट है और यहाँ पर बर्तन भंडार भी है। तो यहाँ से आप बर्तन वगैरह लेके और अपनी रसोई वगैरह आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों आपको बंदरों का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बंदर हैं और काफ़ी शरारती बंदर हैं, तो उनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें जब भी आप यहाँ पर महादेव के मंदिर पर आएँ। तो यहाँ पर ये कुंड है पुराना, तो इस कुंड में लोग यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं। और पीछे भी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो इधर भी एक कुंड है लेकिन इसका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा मटमैला है और गंदा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बंदर बैठे हुए हैं, जो लाल मुख के बंदर हैं यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जब बरसात होती है, सामने आप देखेंगे ऊपर पहाड़ी है, तो पहाड़ी का जितना भी पानी है इस कुंड में होता हुआ सीधा यहाँ पर आता है और सीधा नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर एक गेट और भी बना हुआ है और यहाँ पर देखेंगे अखंड रामधुनी संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए इधर यहाँ पर रामधुन पूरी अभी चल रही है और आश्रम यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये देखिए पूरा जंगल वाला एरिया है और पानी आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, आपको नीचे तक के जो पत्थर वगैरह हैं यहाँ पर आसानी से नज़र आ रहे होंगे। और बंदर देखिए यहाँ पर शरारतें कर रहे हैं और यहाँ पर शिवलिंग भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे। मैं यहाँ पर तकरीबन 13 साल बाद आया हूँ और जिस जगह भी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो हमारे साथ में जो पूरे स्टूडेंट थे क्लासमेट थे वो यहाँ पर आए थे। और अभी मेरे साथ में है मेरी वाइफ और मेरी गुड़िया, यहाँ पर देखिए मस्ती कर रही है पीछे। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से हम यहाँ पर अंदर एंटर हो चुके हैं और आपको ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं। इस मंदिर में टोटल जो सीढ़ियाँ हैं 108 सीढ़ियाँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर से थोड़ा सनसेट हो रहा है और उनके बीच में से जो सुनहरी धूप की है वो आपको दिख रही होगी, हल्का फुल्का धुआं भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रामेश्वर महादेव मंदिर पर। ये देखिए शरारती बंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और दाना वगैरह इनको डाल दिया जाता है, तो यहाँ पर खाते रहते हैं और थोड़ा इनसे बच के भी रहना पड़ता है क्योंकि कभी भी ये झपट्टा मार सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपको कभी समतल जगह देखने को मिलेगी और कभी सीढ़ियाँ आपको चढ़ने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर समतल जगह आती है तो चढ़ने में भी आसानी रहती है और दिक्कत नहीं आती। और आप मेरे पीछे देखिए गुड़िया खेलिए कि मैं थक गई हूँ, तो बच्चे हैं अभी फर्स्ट टाइम थक ही जाते हैं। और ये यहाँ पर है अति प्राचीन सिद्ध गुफा श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर और शेर की गुफा भी इसमें ही है अंदर। तो यहाँ पर ये मेन गेट है इसका।
हम लास्ट यहाँ पर मंदिर पे पहुँच चुके हैं। और जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो ये जो सीढ़ियाँ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसी के पास में यहाँ पर एक चैनल गेट बना हुआ है और इसी चैनल गेट से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मांगरोल से पधारे हैं, DPS स्कूल से, तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अभी इन्होंने देखा है। तो नाम बताइए भी अपना। मेरा नाम दिव्यांश गौतम है, मांगरोल का ही हूँ मैं। मांगरोल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में। और भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर गर्ल्स भी है, साथ में बॉयज़ भी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? पहले तो ये हमारी PBJ क्लासेस के सारे बच्चे हैं जो कि हम ऑपरेट करते हैं इस क्लासेस को। और हमने यहाँ पे आके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जैसे कि पहाड़ की जो आर्किटेक्चरिंग जो बनी हुई है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है क्या। और यहाँ का जो ऊपर नीचे की जो गुफाएं वगैरह, बस एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, सारे लाल मुँह के मंदिरों में एक काला मुँह मंदिर वाला दिख गया हमें क्या। बाकी अच्छे से इन्जॉय से आ रहे हैं। बूंदी वाकई बहुत अच्छी जगह है, राजस्थान में बूंदी का भी बहुत बड़ा महत्व है। थैंक यू सो मच। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर इन्होंने भ्रमण किया और इनको अच्छा भी लगा। खासतौर पर जी इन्होंने बात बताई कि यहाँ पर पूरे लाल मुँह के बंदर हैं। बेसिकली मैं भी यहाँ पर करीब 13 साल पहले आया था तो यही माहौल यहाँ पर था, क्योंकि जो काले मुँह के बंदर यहाँ पर कम पाए जाते हैं और लाल मुँह के बंदर आप देख सकते हैं काफ़ी नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, तो इनसे आपको खासतौर पर बच के रहना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि भैया ने बताया कि बूंदी काफ़ी अच्छी जगह है और बिल्कुल एक देखने के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी है। बावड़ी का सर जिसको हम कहते हैं बूंदी, तो बूंदी सिटी है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं रामेश्वर महादेव मंदिर पे, तो चलिए इनके साथ हम भी दर्शन कर लेंगे और आपको भी दर्शन कराते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है अभी मंदिर पे। और एक बार बोलो हर हर महादेव। दोस्तों इस मंदिर की खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे ये जो आप पत्थर की शिला देख रहे हैं, इस शिला में जो नेचुरल तरीके के जो गाय के स्तन होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए आप पीछे यहाँ पर ये जो पीछे जगह बनी हुई है, इस जगह में जब आप हाथ डालेंगे तो आपको गाय के स्तन महसूस होंगे। तो चलिए अभी मैं आपको हाथ डाल के बताता हूँ और मेरे मिसेस को बोलता हूँ कि चलिए ये हाथ डाल के आपको बताएं कि इसमें स्तन है कि नहीं है। इसमें गाय के स्तन है, मैं आपको थोड़ा टॉर्च से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर इसमें गाय के स्तन बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है रामेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर, तो अभी हम आपको दर्शन कराते हैं आगे चल के। ये देखिए यहाँ पर जो सभी लोग हैं के करके दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भी नंदी भगवान विराजमान हैं। तो नंदी के बाएं कान में अगर आप अपनी गुप्त बात कहते हैं तो उनके कान में जो कही बात शंकर भगवान जी तक जरूर पहुँचती है, क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि एक द्वारपाल की तरह काम करते हैं नंदी भगवान और उनकी सेवा में हरदम यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो ये देखिए जो बड़ी शिला है इस पर यहाँ पर नंदी भगवान विराजमान हैं और उनके जस्ट सामने शिवलिंग विराजमान है, तो वो भी आपको हम दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं कि शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। तो यहीं पर जो लोग हैं आते हैं और दर्शन करते हैं। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर आपको यहाँ पर नाग देवता के दर्शन हो जाएं तो आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, वह जरूर पूरी होगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भोले शंकर का जो शिवलिंग है यहाँ पर विराजमान है, साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के लिए नीचे जाने के लिए, और नीचे की तरफ यहाँ पर बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर है। और ये देखिए पूरी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं सामने, आप देख सकते हैं उधर से भी रास्ता है सामने और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ दी हुई है। ये देख सकते हैं आप ऊपर किस तरीके से पहाड़ियों की बिल्कुल कटाई हो चुकी है, एक एक करके नेचुरल तरीके से पूरी पहाड़ियाँ बनी हुई है। और बंदर देखिए यहाँ पर शरारत करते हैं, दिखते हैं आपको, छोटी छोटी सी आपको गुफाएं नज़र आएगी इसमें, जो कि एक पूरी नेचुरल बनी हुई है और पहाड़ों में इस तरीके का आपको दृश्य आसानी से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गेट से मैं यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और इन सीढ़ियों से नीचे हम जाएंगे तो वहाँ पर झरना आपको देखने को मिलेगा, तो उस झरने की तरफ हम चलते हैं
और आपको दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। कुंड के अंदर साबुन का उपयोग करना सख्त मना है और कुंड में वो मंदिर परिसर में शराब पीकर आना सख्त मना है। तो यहाँ पर देखिए ये वही झरना है जहाँ पर पानी गिरता है ऊपर भगवान के ऊपर शिवलिंग पे लगातार जो जल का है अभिषेक होता रहता है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट से जो झरना है वो नीचे आता है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो अभी यहाँ पर कंटिन्यू गिर रहा है। मैं थोड़ा आपको नज़दीक जाकर दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए शरारती बंदर अभी जुए निकालने में व्यस्त हैं और जो बच्चे वगैरह हैं यहाँ पर अभी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो पानी है कंटिन्यू वहाँ पर आ रहा है और नीचे यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। ये देखिए आप सामने, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये शिवलिंग है तो इस शिवलिंग पे पानी यहाँ पर कंटिन्यू अभी आ रहा है और जब बरसात होती है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो पानी है शिवलिंग के ऊपर गिरता है और यहाँ से होता हुआ सीधा नीचे की तरफ जाता है। तो इधर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभी जगह बनी हुई है जब यहाँ पर पानी कंटिन्यू बहता है तो। और यहाँ पर आप प्रकृति की नया कलाकृति देख सकते हैं कि जो चट्टाने हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कटिंग हो रखी है। चारों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल गोल शेप में यहाँ पर आपको ये चट्टाने वो देखने को मिलेगी और चारों तरफ आपको पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे। और ऊपर की तरफ से ये रास्ता है आने का जिस तरह से हम आए हैं। और ये देखिए आप पूरा चट्टाने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये कुंड देख सकते हैं 12 महीने इसमें पानी से भरा हुआ होता है। और यहाँ पर निर्देश भी लिखा हुआ है कि महिलाओं का कुंड में नहाना सख्त मना है। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, नहाए नहीं। और ये देखिए शिवलिंग पे जो पानी है कंटिन्यू यहाँ पर आ रहा है, ऊपर से जो झरना है वो कंटिन्यू यहाँ पे बह रहा है। दोस्तों अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर, और वहाँ का व्यू भी आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, अभी हम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये है बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की गुफा। तो ये आप देखें यहाँ पर ये जाली बनाई हुई है इसको पार करने के लिए, जब पानी वगैरह आ जाता है तो इससे हम उधर की तरफ जाते हैं गुफा की तरफ। और नीचे ये जो झरना है कंटिन्यू बहता रहता है बारिश के समय। तो अभी देखिए यहाँ पर कम पानी भरा हुआ है। ये देखिए सामने झरने का पानी यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ आता है और ये पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये जाली यहाँ पर लगाई हुई है इधर क्रॉस करने के लिए गुफा के लिए। और ये बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर नीचे स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर खजूर के पेड़ भी आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अत्यंत प्राचीन सिद्ध गुफा लिखी हुई है और रामेश्वर महादेव और बूढ़ेश्वर महादेव जो मंदिर है उसका फ़ोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस गुफा में जो जानकारी है इस बोर्ड पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप पुश करके आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये गुफा का रास्ता है और यहाँ पर ये धुनी भी जल रही है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर धुनी पे भूख लगाने के बाद में हम गुफा में अंदर की तरफ चलते हैं। ये प्राचीन गुफा है यहाँ पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गुफा में। ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है धुना, तो यहाँ पर भी हम ढोक लगाने वाले हैं। और एक काफ़ी प्राचीन गुफा है आप देख सकते हैं, चारों तरफ पूरा आपको यहाँ पर काला नजर आएगा क्योंकि धुना वगैरह जब जलता है तो धुआं वगैरह यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर ये बाबा हैं तो इनसे भी हम बात करेंगे, पहले हम ढोक वगैरह दे देते हैं। तो दर्शकों मैंने आपको बताया था कि बूढ़ेश्वर महादेव की जो गुफा है, जब मैंने वहाँ पर एंट्री ली थी तो उसका जो मेन गेट आपको दिखाया था। तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गुफा में और गुफा के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर बाबा से जानेंगे कि ये जो गुफा है कैसी है और क्या कुछ यहाँ पर है, तो सारा कुछ जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामदयाल। थोड़ा गुफा के बारे में हमको जानकारी दीजिए यहाँ। गुफा तो सीच है, पुरानी गुफा है संतान जी और तपस्या कर ली संतान। अच्छा बस, थोड़ा अगर इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे तो मतलब क्या कुछ यहाँ पर सिद्धियाँ वगैरह हुई है और किन के लोगों को यहाँ पर मनोरथ पूर्ण हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है सब। अच्छा, तो जैसा कि इनका बाबा कहना है कि यहाँ पर जो पहले साधु महात्मा रहा करते थे तो उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर सिद्धियाँ की है और सिद्ध करने के बाद में जो गुफाएँ यहाँ पर प्रसिद्ध हुई है। और जैसा कि बाबा ने यहाँ पर बताई दिया है तो यहाँ पर बार धुना है उसका हम पहले आशीर्वाद लेके आते हैं और आशीर्वाद लेने के आने के बाद में यहाँ पर अंदर गुफा में आते हैं। तो गुफा भी मैंने आपको दिखा दिए, तो चलिए हम थोड़ा आपको बार का भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ पर एक बंदर है तो उसके हाथ में नारियल का गुला है, तो उसको वो फोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसकी टेक्निक देखिए आप किस तरीके से वो फोड़ेगा। अभी वो देखिए अभी उसको मारने में लगा हुआ है,
वो देखिए अभी जोर से उसको पटकेगा उठा के, वो देखिए कहीं ना कहीं जाके फूटेगा, तो इस तरीके से बंदर शरारते करते रहते हैं। तो दोस्तों ये है बूढ़ेश्वर महादेव का मंदिर नीचे, और यहाँ पर एक चैनल गेट लगाया हुआ है, तो इसमें भी आपको हम दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये देखिए अभी हम मंदिर चल रहे हैं और यहाँ पर बेल लगाई हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नंदी भगवान विराजमान हैं। और ये जो नंदी हैं दोस्तों बिल्कुल एक पुरातात्विक पत्थर के बने हुए हैं। ये देखिए आप बूढ़ेश्वर महादेव का स्वरूप आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का व्यू आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके का व्यू है यहाँ पर बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का नीचे का। सामने शिव भगवान विराजमान है, उनके सामने जस्ट यहाँ पर नंदी है। तो दोस्तों मैंने आपको बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर का भी व्यू दिखा दिया है और गुफा का भी व्यू दिखा दिया है। अभी हम चल रहे हैं वापस से बाहर की तरफ। तो आए दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।